जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हमारी एक बच्ची समरीन SRB बैच से, इसको ड्रीम कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया AMU। और जब ये आई थी तभी बोली थी, सर हमें AMU में ही पढ़ना है। तो कौन सा अटेम्प्ट था समरीन? क्लास 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट है जी। तो ये बताओ कि ऐसा क्या किया होता तो 12th के साथ ही सिलेक्शन हो गया होता? थोड़ा सा सर, जो बीच में लॉकडाउन रहा तो हम लोगों की पढ़ाई ब्रेक होती थी बार बार। शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता और हम आपके पास पहले ही आ गए होते 11th-12th में ही पढ़ने के लिए, तो हमारा पहली बार में मतलब 12th के साथ ही साथ सिलेक्शन हो जाता। जैसे कि बच्चा 12th करता है, उस बाद उसको लगता है कि नीट कोई बहुत बड़ी चीज़ है ना, इधर किताबें उधर किताबें, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल। तो जब आपने नीट दो बार दिया और नीट क्वालिफाई किया, तो आपको क्या लगा कि कुछ भी NCERT से बाहर पूछा जाता है? नहीं, पूरा NCERT से आता है। NCERT की लाइंस में, NCERT के जो चैप्टर एंड समरी होती है, NCERT एग्जाम्पलर पेपर यहीं से ही होता है, कुछ बाहर से नहीं होता है। दोनों साल आपने ये रियलाइज किया जी। आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो 12th के साथ ही नीट क्रैक करना चाहते हैं? अपना पूरा अनुभव बताइए। ओके, NCERT पे फोकस करिए, बैकलॉग्स मत होने दीजिए। जो भी डेली का काम है, डेली जो आपके टारगेट्स हैं, वो आप डेली अचीव करिए उसको। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका नीट है वो भी अचीव होगा और आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिलेगा। वेरी गुड। तो आपको लगता है नीट कोई बहुत बड़ा टफ इम्तिहान नहीं है? नहीं, नीट को जैसे हम लोग सोच करके अपने मन के ऊपर, अगर डायरेक्शन अगर सही है। अब मैंने तो पूरा सर को फॉलो करा था, सर ने जैसे बायोलॉजी बताई थी, इवन सर तो हम लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सर का ही गाइडेंस रहा है, पूरा सर का गाइडेंस रहा है, RD सर का गाइडेंस रहा है। तो हम लोगों ने सर को ही फॉलो करा है और अपना ड्रीम कॉलेज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल JNMCH फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 5-6 लोग जा रहे हो, तो साथ में प्यार से रहना। क्या कहना चाहोगे नीट एस्पायरेंट के लिए कि जैसे जिन बच्चों का 2 नंबर 4 नंबर से रुक गया, आपका भी पिछली बार रुका था, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो उसको देखिए और उसमें सुधार करिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ करे ही बिना तो किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा रहा न्यू लाइट का एक्सपीरियंस? न्यू लाइट कोचिंग नहीं, हम लोगों के लिए तो एक फैमिली है जिसमें हम सब कनेक्टेड हैं सिंह सर से और जो बाकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है। मतलब न्यू लाइट से अभी हम चले गए, बट फिर भी न्यू लाइट से हम जुड़े हुए हैं। न्यू लाइट हमारे साथ नीट के पहले भी थी और नीट के बाद भी हमेशा रहेगी। सर की गाइडेंस तो अभी भी हम लोगों को सर MBBS में कैसे पढ़ना है वो भी सर हम लोगों को गाइड कर देते हैं। चलो बेटा, अभी तो आगे की जर्नी है। बहुत बहुत बधाई, और बस एक बात बोलेंगे पेरेंट्स को, बेटा हमेशा याद रखना जी, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भगवान की तरह है। तो बच्चों, आपने देखा कि समरीन ने 12th के साथ ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीट क्वालिफाई नहीं किया, बल्कि एक हिंदुस्तान के प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है। और भगवान से यही प्रे करेंगे कि हम लोग की तरफ से दुआएँ हैं, आशीर्वाद है कि बहुत अच्छे डॉक्टर बने और देश और समाज की सेवा करें। मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में एक अच्छे बच्चे के साथ, और बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर। और AMU में बहुत अच्छा करना। यस सर। और हम यही सुनना चाहेंगे कि वहाँ भी फर्स्ट 10 में तुम्हारी होने से। जी ठीक, बिल्कुल सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू।